सबसे कम प्राइस में आपका आएगा 350 प्लस में, 350 से मतलब स्टार्टिंग रेट है, उसके बाद फिर आपका हाईएस्ट में आपका आ जाएगा लगभग 700-750 शर्ट में। शर्ट्स हैं, कुर्ते हैं, पजामे हैं, कुर्तियां हैं, सब हैंडमेड है, सब हैंडमेड, खादी हैंडमेड होता ही है सर, और खादी का ही बना हुआ सारा प्रोडक्ट है। 250 दो तरह की रेंज है हमारे पास, यहाँ पे फिक्स रेट है जहाँ पे 400 से लेके 250 और 400 का ये स्टॉल है। ये जयपुर राजस्थान का है। क्या क्या आपके यहाँ पे है? मेटल, लाक, कांच, जो चाहिए सब मिलेगा। ये पूरा स्टॉल पंजाब का है। अब पंजाब का जूता आप देख सकते हैं, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी होगा यहाँ पे? हाँ होगा, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए आपको। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ साधन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त आप सबको जमशेदपुर में लगी स्वदेशी मेला आप सबको घुमाने के लिए आया हूँ, जो गोपाल मैदान, जिसे रिगल मैदान भी कहा जाता है। ये मेला आप सबको 8 से 16 अक्टूबर तक लगी रहेगी, ये स्वदेशी मेला। दोस्तों, ये सुबह के 11 से रात के 9:30 बजे तक ये मेला लगी रहती है। ये मेला जहाँ 19 राज्य से आए हुए स्टॉल, 300 से ज़्यादा स्टॉल लगी हुई है। ये मेला हम सब के लिए एंट्री का पासेस फ्री है, जो आप फ्री में ये मेला एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह से ये मेला लगी है और कितना स्टॉल लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको किस तरह से लगी है ये मेला। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह से ये मेला लगी है और कितने स्टॉल लगी है क्या और क्या क्या स्टॉल लगी है, ये दिखाने के लिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं आपको अंदर और दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे गोपाल मैदान में लगी है ये स्वदेशी मेला। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, स्टॉल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर दिखाएँगे किस तरह से स्टॉल लगी है। हालाँकि आज दूसरा दिन है, इसलिए ज़्यादा स्टॉल अभी तक खुली नहीं है कुछ ही, और ज़्यादातर स्टॉल शाम को ही खुलती है, शाम को ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। यह कपड़े के स्टॉल है यहाँ पे। तो चलिए कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी करने कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं, कौन सा राज्य का ये स्टेट का ये स्टॉल लगी है, जहाँ पे 19 स्टेट का ये स्टॉल लगी हुई है और जहाँ 300 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे लगी है। तो ऐसे मेला के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे एक सूरत से आई हुई कपड़े के स्टॉल है और यह इनसे भैया से बात करना चाहते हैं, बात करें कि ये स्टॉल कौन से स्टेट का है और इसमें क्या खास है। तो बताइए भैया, कौन से स्टेट का ये स्टॉल है? ये गुजरात से, सूरत से, और हमारा काम क्या है, ये स्टॉक का माल लेके आते हैं। अच्छा, कोई सी भी साड़ी 1000-1200 के रेंज की साड़ी आपको केवल और केवल 400 में मिलेगी हमारी शॉप पर। स्टार्टिंग क्या है? फिक्स रेट 400-250, दो तरह की रेंज है हमारे पास। यहाँ पे फिक्स रेट है जहाँ पे 400 से लेके 250 और 400 का ये स्टॉल है। ये कौन सा स्टेट का बोले? सूरत का। ये सूरत का कपड़े के स्टॉल है और केवल साड़ी स्टॉल पे लगाया गया है। मैं आपको पहले एक बार बता दिया कि ये स्वदेशी मेला में 19 स्टेट का ये स्टॉल लगाया गया, जहाँ से 300 से ज़्यादा स्टॉल लगी हुई है। तो आगे चलिए दिखाएंगे आपको कहाँ कौन कौन सा स्टेट का यहाँ पे स्टॉल लगी है। नमस्ते, कहाँ से आप लोग? जामताड़ा से। बात कीजिए, क्या क्या रखे हैं सर? हम लोग कुर्ता, जैकेट, पैजामा, शर्ट। अच्छा, रेंज क्या रखे हैं आपने सर? सबका अलग अलग रेंज है, 450 से 500, 300। सब कॉटन का है? हाँ सर, कॉटन का ही है, खादी और इसमें खादी है, कॉटन है। सबसे हाईएस्ट एक बार बता दीजिए रेंज क्या है आपके? सबसे कम प्राइस में आपका आएगा 350 प्लस में, 350 से मतलब स्टार्टिंग रेट है, उसके बाद फिर आपका हाईएस्ट में आपका आ जाएगा लगभग 700-750 में। और बंडी वगैरह जो है वो सब बंडी में आपका प्राइस है, तो उसका प्राइस 1000 रुपये, इस पर थोड़ा मार्जिन करके आपको 900-850-700 तक में दे दिया जाएगा। हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।
आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉल लगाए हुए हैं। और एक स्टॉल मुझे दिखा, ये है बैग का, थैला का। कहाँ से भैया आप लोग? लोहरदगा से। थोड़ा पकड़िए ना, ये भैया का दुकान आप देख सकते हैं, हैंडमेड है पूरा लोहरदगा के। प्राइस क्या रखे हैं? प्राइस है सब किस्म का है सर, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, सब किस्म का है। अच्छा, सब अपने हाथ से बना हुआ है? सब हाथ का बना हुआ है। जयपुर राजस्थान का है। क्या क्या आपके यहाँ पे है? मेटल, लाक, कांच, जो चाहिए सब मिलेगा। ज़्यादा हमारा लाक और मेटल का सेल होता है। प्राइस क्या है, प्राइस क्या रखे हैं आप? प्राइस 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। 100 से सबसे ऊंचा? सबसे ऊंचा 350-300 ऐसा आएगा। ब्रास का माल सब जयपुर का स्पेशल चूड़ी होता है, अच्छी क्वालिटी और निकलने ख़राब होने का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने आप देख लिए, ये पूरा स्टॉल भैया के पास जयपुर से आए हुए हैं और कम रेट से भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो 100 से स्टार्टिंग होता है। तो अभी लोग आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अच्छी पब्लिक आ रही है। रिस्पॉन्स अच्छी है? हाँ, रिस्पॉन्स अच्छी। तो चलिए आगे दिखाते हैं कहाँ का स्टॉल लगी है, कैसे यहाँ पे लगी है स्टॉल। भैया से जानकारी लेते हैं, कौन सा स्टेट का भैया वाला? बनारस का ये स्टॉल है, आप देख सकते हैं बनारस का कपड़ा। तो भैया से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रेंज क्या है? बनारस का कपड़ा सब हमारे देश में पूरा मशहूर है, तो इनसे बात करते हैं कपड़ों का रेंज क्या है। कपड़े का रेंज बता दीजिए। कपड़े का रेंज देखिए, चंदेरिया की साड़ी है और थोड़ा सेल वाली भी साड़ी है, 250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की साड़ी है ये। ठीक है सर, जैसे ये देख रहे हैं 500 का। हाँ जी जी, पूरा बनारस का। ठीक, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए आगे भी स्टॉल दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे यहाँ पे ये लड़कियों के लिए कपड़े के स्टॉल लगा रहे हैं भैया। कौन से स्टेट से हैं आप? यूपी मेरठ से हैं ये स्टॉल। और भी आगे भी ऐसे स्टॉल आपको मिल जाएगा। तो चलिए भैया से बात करते हैं, कौन से स्टेट से हैं आप? यूपी से भैया, बागपत। क्या क्या रखे हैं आप? बेड शीट रखे हैं भैया। रेंज क्या है यहाँ? ये डबल की 750 और सिंगल की 350। सबसे लो और सबसे हाई बताइए। सबसे हाई तो बिक चुकी है भैया, सबसे लो है 300। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। यहाँ पे इधर आपको मिल जाएगा, हालांकि अभी लगा रहे हैं। ये मेला आपको सुबह की 11 से रात के 9:30 बजे तक ये मेला लगी रहती है। ये घर के सजाने के लिए दुकान भैया के पास है। तो चलिए आपको पूरा मेला घुमाते हैं और दिखाएंगे किस तरह से मेला लगे। ये ड्राई फ्रूट्स का, सोन पापड़ी और भी बहुत कुछ खाने का आपको मिल जाएगा। ये भी एक कपड़े का दुकान है, देख सकते हैं। ये पूरा स्टॉल पंजाब का है, अब पंजाब का जूता आप देख सकते हैं। लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी होगा यहाँ पे? लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। 90% लेडीज का होगा। और ये भी एक पंजाब का स्टॉल है, खाने पीने का स्टॉल है, देख सकते हैं। पापड़ का दुकान है, पूरा पंजाब का है भैया, पूरा पंजाब का ये स्टॉल है, खाने पीने का स्टॉल है पंजाब का।
ऐसे में और कुछ लेडीज़ यहाँ पे दुकान लगाए हैं और जिनसे बात करना चाहते हैं कि क्या क्या रखे हैं उनके दुकान पे और क्या खास है इस दुकान में, थोड़ा सा इसको पकड़िए, बताइए क्या क्या रखे हैं दुकान में। हम लोग खादी का सारा प्रोडक्ट रखे हैं, हैंडमेड, जैसे हैंडीक्राफ्ट में हो गया हैंड पर्स, जूट बैग वगैरह, हनी है आपका, कुचई सिल्क से बना हुआ कपड़ा है, रेडीमेड गारमेंट्स अपना प्रोडक्शन किया हुआ शर्ट्स हैं, कुर्ते हैं, पजामे हैं, कुर्तियां हैं, सब हैंडमेड है, सब हैंडमेड, खादी हैंडमेड होता ही है सर, और खादी का ही बना हुआ सारा प्रोडक्ट है मेरा। ये और भी कपड़े का दुकान लगी है, कहाँ से भैया आप लोग? लखनऊ से ये स्टॉल लगाए, लखनऊ का ये कपड़े की दुकान लगाए भैया, देख सकते हैं। और एक दुकान है लेडीज़ का, दुकान कहाँ से है? भागलपुर बिहार से हैं, ये कपड़े के स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पे भी बेडशीट है, कपड़े की दुकान है और एक साड़ी की दुकान, देख सकते हैं। कहाँ से हैं भैया आप? बनारस से हैं। क्या रखे हैं आपके स्टॉल में? पूरा प्योर कॉटन और प्योर सिल्क का साड़ीज है। अच्छा, रेट क्या रखे हैं? रेट खुद खुद से बनाते हैं, खुद से बेचते हैं, हैंडमेड है जी, हैंडमेड। अच्छा। है, ब्लॉक से काम किया हुआ है। अच्छा। ये हम लोग का ब्लॉक है, ये इससे हम लोग काम करते हैं प्योर सिल्क और प्योर कॉटन के ऊपर। प्राइस क्या क्या रखे हैं? 750 से स्टार्टिंग है और उसके बाद जितना ऊपर जाएंगे वो इसे रेंज हिसाब से है। अलग अलग मटेरियल, जामदानी है, प्योर कॉटन है, काथा स्टिच में है और भी प्योर सिल्क में है, विष्णुपुरी सिल्क है, गाछी तशर है, प्योर के ऊपर जा सारा आइटम मेरे पास। थैंक यू, वेलकम। रेंज क्या रखे हैं? 750 से एनी टॉप। फिर से बताएं कहाँ से हैं? लखनऊ चिकन है, लखनऊ से हम लोग हैं, लखनऊ से। तो बताइए कहाँ से हैं और क्या क्या रखे हैं दुकान में? जी सर, हम लोग सरायकेला जिला से हैं, जो निमडी प्रखंड से हम लोग आए हैं और हम लोग का बांस और घास और मिट्टी टेराकोटा तीन प्रोडक्ट हम लोग लाए हैं। ये पूरा सब हैंडमेड, हाथ से बना हुआ है? सब हैंडमेड है। आप देख सकते हैं अपने झारखंड का ही है ये बना हुआ, आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। स्टॉल नंबर क्या है आपका? नावाड का है। ये सोफा कवर है। कहाँ से आए हैं ये बता दीजिए? गुजरात से आए हुए हैं। मेरा पास सोफा कवर, कुशन कवर, दीवान सेट, बेड सेट, टेबल क्लॉथ। रेट बता दीजिए। रेट आपका 1250 कम आएगा, 600 के स्टार्ट से होगा सबसे कम। अच्छा। और हाई आपका 1500 की है, उसमें डिस्काउंट हो जाएगी। अच्छा। और ये दिवाली के में सब ज़्यादा ये सब पसंद करता है अपने घर से जाने के लिए, ये सब कढ़ाई वाला आइटम, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, सब हैंडीक्राफ्ट है। हाँ। दिवाली ऑफर भी चल रहा है आपके यहाँ पे? आइए तो ऑफर मिल जाएगा। तो भैया के यहाँ पे आइएगा तो दिवाली ऑफर भी आपको मिल जाएगा। ये भैया का दुकान है, स्टॉल है। पढ़ने लिखने का अगर शौक है तो आपको बुक का स्टॉल भी आपको स्वदेशी मेला में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे आगे एक किताब का दुकान है, आप अगर पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा स्वदेशी मेला में, ये किताब का दुकान है। ओम शांति। कौन कौन सा किताब रखे हैं आप लोग? हम लोग आए हैं एक्चुअली प्रजापति ईश्वरीय विद्यालय ब्रह्मा कुमारी से। अच्छा, इसमें हम लोग ब्रह्मा कुमारी का जितनी किताबें हैं, ज्ञान का किताब है, वो सब ज्ञान का किताब पूरा रहे हैं। इसका साथ साथ कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, जो हम लोग इनका जानकारी सभी को देंगे। और ये इनका मेन शाखा है ब्रह्मा कुमारी का, ये है माउंट आबू और ये जमशेदपुर ब्रांच से हम लोग ये हैं। इसका साथ साथ करीब 140 का ऊपर सेंटर पूरा विदेश का साथ में जुड़े हुए हैं, उसी का साथ में हम लोग ब्रह्मा कुमारी बाबा का ज्ञान देने का ये प्रचार में रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान आपको एक स्टॉल मिल जाएगा, लेडीज़ कॉर्नर, साथ में स्टेशनरी का सामान आपको ये स्टॉल में, भैया के स्टॉल में। कहाँ से भैया? कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं भैया, और जो कि अपने स्टॉल लगाए हैं। स्टॉल नंबर क्या है आपका? नहीं मिला अभी तक स्टॉल नंबर। ये भैया का स्टॉल है। क्या क्या सामान रखे हैं? स्टेशनरी सामान। चलिए,
तो दोस्तों अभी की इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। और मैंने आपको ये मेला, आपको स्वदेशी मेला घुमा दिया। ये मेला 8 से 16 अक्टूबर तक लगी रहेगी हमारे शहर गोपाल मैदान में, जिसे रिगल मैदान भी कहा जाता है। और ये मेला आपको सुबह 11 से रात के 9:30 बजे तक ये मेला लगी रहती है। ये मेला का एंट्री आपको फ्री में आपको मिल जाएगा, कोई एंट्री का पासिस नहीं है। ये मेला आप फ्री में घूम सकते हैं। तो चलिए अभी के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छे लगे तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।